शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने एक बताया राज्य मन पर, एक बताया धर्म पवित्रता का, और ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल देती। तीसरी बात होती है लॉ एंड ऑर्डर अर्थात मर्यादाएं। तो मर्यादाएं भी हम ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करते हैं या बीच में लोक लायक आ गए, गुरु की मर्यादा आ गई, किसी अंदर से कमजोर है कहेंगे घर वाले ले गए, घर में भी चला गया। हमारे दिल्ली में भी ऐसा ही होता है, जहाँ रहते हैं कई भी के ग्रुप आते रहते हैं, वो आरसी में आते रहते हैं, तो एक दो दिन भट्टी करेंगे, फिर कहेंगे हम आगरा जा रहे। अच्छा भाई आगरा क्यों जा रहे हो? आगरा देखने जा रहे। अब हम बड़े हैरान होते हैं, एक राजा था उसे अपने बेगम से बहुत मोह था, हो जाने उसने अपनी बेगम के मोह में मकबरा बना दिया, चाहे वो मार्बल का ही है तो मकबरा ही। वो जाने तुम पीके को क्या कष्ट हुआ है, तो खास जाके आगरा का ताजमहल देखेंगे। हम खुद रहते कि भाई तो मर्यादा तो नहीं है ना। फिर जाता तो बाबा कहते थे हर तरह की आत्माएं हैं, हम कहते अच्छा भाई जाना, बाबा को याद करते जाना, बाबा की कैसे बजाते जाना, ज्ञान की चर्चा करते जाना, और क्या कहते। लेकिन फैक्ट तो ये है ना, इसलिए बाबा कहते हैं आपका लॉ एंड ऑर्डर पर कितना चलते हैं या माया बीच में दखल देती है। कलयुग में क्या देखना, अगर आपकी ऐसी चीज़ों में अट्रैक्शन रहेगा तो बेहद की विराट वृद्धि कैसे होगी। इसलिए बाबा कहते हैं एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। और बात अब बाबा ने उसका रिजल्ट बताया कि राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक राज्य अर्थात आपके मन पर राज्य करेंगे, मन जीत होंगे, अगर आप एक धर्म अर्थात अपनी संपूर्ण पवित्रता को कायम रखेंगे, और अगर आप अपनी मर्यादाओं का जरा भी उल्लंघन नहीं करेंगे। सीता ने देखो जरा सा उल्लंघन किया बेचारी रावण के जेल में चली, तो आप बाबा कहते हैं उसका परिणाम क्या होगा। इसी दुनिया में सदा सुख और शांति आपके पास अथाह है, और अगर कोई भी चीज कम होगी तो आपको कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कष्ट हो के तैयारी होना, एक दिन ठीक रहना, एक दिन गड़बड़ रहना, काम तो करना लेकिन खींच खाँच करके करना, क्लास में आना तो तंग हो के आना भाग भाग के, वो नेचुरल। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं है, सुख शांति के अंदर भी दुख और अशांति तो नहीं आता। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं मिला, पीके और अशांति, ये ऐसे जैसे रोशनी में अंधेरा आ गया। स्वराज्य में अच्छा, फिर बाबा ने एक और बढ़िया बात कही, बड़े ध्यान देने की। स्वराज्य में कोई सेलिब्रेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया भी डालती कि आप अपना प्रशारत कर रहे हो, सेलिब्रेशन के आधार पर यदि हमें हॉल में कुर्सी मिलेगी तो हम जाएंगे, धरती पर हम नहीं बैठे, हर एग्जाम या हमें अगली सीट मिलेगी तो हम जाएंगे। तो इसका मतलब है अपने ऊपर राज्य नहीं है कि जो बाबा से जितना दूर है उतना नजदीक है। तो इसी प्रकार से प्रशंसा, अरे हमने यज्ञ के लिए ये किया वो किया, हमारी कोई थोड़ी तारीफ तो करते, नाम तो ले दे मेरा, तो बाबा कहते हैं ये भी माया का विघ्न है। तो सदा सुख यानी आपको सीट नहीं मिली, आपको खाना नहीं मिला, आपको कुछ हो गया, किसी ने इंसल्ट कर दिया, आपको पहचाना नहीं, ये सारे विघ्न है माया। आप उसमें अंगद की तरह रहना चाहिए, जो कर दे आप मुस्कुराना चाहिए। अच्छा आज खेल दी मेरी ना, बहुत अच्छा हुआ, मेरी
क्या शक्ति गई, कल भी ना मिले और अच्छा, तब आप